आज का दिन एक विशेष दिन है। जी हाँ, आज का दिन इतिहास में दर्ज हो चुका है, क्योंकि आज अयोध्या में जो राम मंदिर है उसका भूमि पूजन किया गया। आपको बताते हैं, सदियों पुराना ये मसला था जो अब हल हो चुका है, और आपको बताते हैं बहुत ही एक अलग ही नजारा इस वक्त का पूरे देश में देखा जा सकता है। फिलहाल हम यहाँ पे मौजूद हैं, आगरा में मौजूद हैं, और आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरीके से जो युवा हैं इस वक्त श्री राम जी की आरती उतारने के लिए यहाँ पर बहुत ही लालायित हैं, और आप देख सकते हैं किस तरीके से खुशी का माहौल है। क्योंकि ये माहौल इसलिए है क्योंकि आपको पता है किस तरीके से इसका इंतजार था, क्योंकि विपक्षी हमेशा कहा करते थे कि राम मंदिर एक बहुत बड़ी जो है राजनीति हो रही है राम मंदिर पर, लेकिन आज उसका क्योंकि उद्घाटन हो चुका है तो आप वही नजारा देख रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे डेकोरेट किया गया है, गुब्बारे भी हैं और भी तमाम चीजें, कैंडल्स आप देख सकते हैं, और फिलहाल यहाँ पर जो आरती है उसकी तैयारियां चल रही हैं। निश्चित तौर पर एक ऐतिहासिक लम्हा यहाँ पर कहा जाएगा। तो हमारे साथ में तमाम लोग होंगे, उनसे जानने की कोशिश होगी कि आखिर आज उनके दिल में क्या कुछ चल रहा है। क्या नाम है? मेरा नाम श्याम सलोने वशिष्ठ। वशिष्ठ जी, ये बताइए आज जिस तरीके का माहौल है पूरे देश में कैसा लग रहा है? माहौल बहुत अच्छा है, राममय माहौल है और बहुत अच्छा लग रहा है। पूरा देश भगवान राम के उसमें है। आज दिवाली मनाने की अपील की है मुख्यमंत्री जी ने, क्या कहेंगे? दिवाली ही है, जब भगवान राम का शिलान्यास हुआ है तो दिवाली से कम नहीं है, और ये कोई हिंदू या मुस्लिम या सिख ईसाई की बात नहीं है, ये भारत देश के स्वाभिमान सम्मान की बात थी। ये कोई धर्म की बात नहीं है, स्वाभिमान की बात थी, क्योंकि भारत एक निरपेक्ष देश है। तो और भी हमारे साथ में लोग मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे क्या कुछ उनके भी दिल में चल रहा है। जी, क्या नाम है? जय श्री राम, मेरा नाम लाल सिंह तोमर है। तोमर जी, ये बताइए किस तरीके का माहौल है? माहौल आज ये समझो कि आज छोटी दीपावली है, और ये भी समझो कि आज सबसे बड़ी दीपावली है, जिस चीज का हमें सदियों से इंतजार था, कई साल लग गए, हमारे बुजुर्ग इसी मंदिर के सिलसिले में गुजर चुके हैं, उनको भी बहुत इंतजार था, तो आज बहुत ज्यादा खुशी है हमको, नहीं हमारे पूरे भारतवर्ष को। लोगों से क्या कहना चाहोगे? हम लोगों से कहना चाहेंगे अपने घर पर शांति पूर्वक किसी से हल्ला ना हो और झगड़ा ना हो, 5-5 दीपक जरूर जलाएंगे। और मैं एक और निवेदन करना चाहूंगा केंद्र और राज्य सरकार से, जो भी हमारे कार सेवक जो मस्जिद को उठाते समय जो भी मारे गए थे उसमें शहीद हुए थे कार सेवक, उनके लिए एक वहीं पे अयोध्या में भी एक मंदिर स्टाफ का बना के एक हॉल बना के उनकी मूर्ति लगाई दी जाए।